मैं आज गंभीर बात कहना चाहता हूं और बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश की धरती पर गए थे, जब वो भारत की बात करते थे तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए थे। हर एक पर एक वर्ग ऐसा भी था जिसको भारत से नफरत थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का खूब अपमान किया, अरे धमकाने की कोशिश की, पर स्वामी विवेकानंद मां भारती का मिशन लेकर निकले थे, वो कहां डरने वाले थे। आज ऐसा ही बंगाल की धरती पर हो रहा है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं, लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं। मैं भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान ये देश कभी नहीं सहेगा। ऐसी सरकार जो बंगाल की सेवा संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है, उसे आपने अपने वोट की ताकत से ऐसी सजा देनी है, ऐसी सजा देनी है कि कभी वो हमारे संतों, महंतों, महापुरुषों का अपमान न कर सके।